पिछली बैठक भी हुई, देखिए उस समय जब मंत्रियों की तरफ से चाय ऑफर की गई किसानों को, तो उनका यह कहना था कि आप हमारे धरना स्थल पर आइए, आपको जलेबी खिलाएंगे। तो कई बार जो इस तरह की बातें होती हैं, ये कई एक मैसेजिंग का काम करती हैं, एक रणनीति के तौर पर दिखाई देती हैं। अगर आज भी देश का अन्नदाता जब मीटिंग में बैठा है सरकार के साथ टेबल पर, तो वो अपना खाना बाहर से अपने खेमे से मंगवा रहा है। ये बातें एक रणनीतिक कौशल को जरूर दिखाती हैं, एक मैसेजिंग का काम जरूर करती हैं। अशोक, बिल्कुल बिल्कुल, उसी के तहत इन्होंने तय किया था कि ये मैसेज ना जाए कि हम सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सरकार के हिसाब से चल रहे हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम अपने मुद्दों के लिए, अपनी मांगों के लिए सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और हमारा सरकार से कोई उनके अन्न ग्रहण करने का, उनका चाय पीने का कोई हमारा वो नहीं है, मोटिव नहीं है। हम सिर्फ अपनी बातों के लिए आए हैं, हम सिर्फ अपना जो इश्यूज है उनको उनसे कंसर्न है, इसीलिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम सरकार का कोई अन्न नाश्ता चाय ग्रहण नहीं करेंगे। यहाँ भीतर गया है इस ब्रेक के दौरान, तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि जो किसान वहां दाखिल हुए हैं वो अपने स्वाभिमान के साथ वहां दाखिल हुए हैं, और सरकार के साथ जब बातचीत के लिए बैठे हैं तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन तमाम किसानों का जो वहां पर डेरे में डेरा डाले बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक कर लेते हैं इस वक्त ऐश्वर्या का। ऐश्वर्या, आप जहां पर मौजूद हैं, लगातार उस बॉर्डर को किसान घेरे हुए हैं और कह रहे हैं तब तक नहीं पीछे हटेंगे जब तक मांगे नहीं मान ली जाती। आगे आने वाले समय में यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा प्रभावी होगा। इस वक्त क्या हालात दिखाई दे रहे हैं वहां पर? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, किसानों का यही कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ घंटे पहले ये किसान, ये जो फ्लाईओवर आपको दिख रहा है इसके नीचे थे, जब से वो आए थे तब से वो यहीं थे, लेकिन आज जब से मालूम पड़ा कि कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और दिखाने के लिए कि किसान सारे एकजुट हैं, वो सारे किसान यहाँ ऊपर आ चुके हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर है, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, उस तरफ राजधानी है दिल्ली, इस बॉर्डर को अभी यहाँ पे सील कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि पता नहीं चलेगा कि मीटिंग में क्या हुआ। देखिए मैं बता दूं, जिस तरीके से किसानों के बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी अभी कुछ मिनट पहले काफी ज्यादा किसान आके इस आंदोलन में जुड़े, दूसरी तरफ इसीलिए प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। बहुत भारी तादाद के अंदर यहाँ पे पुलिस वाले मौजूद हैं, यहाँ पे फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये डर है कि अगर आज की मीटिंग से हल नहीं निकला तो हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे घेमाघेमी बढ़े, हो सकता है कि और किसान भी उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश के बाकी कई इलाकों से आके यहाँ किसानों के साथ जुड़ जाए। देखिए दूसरी ओर आपको ट्रैक्टर भी खड़े हुए दिखाई देंगे, कुछ ही देर पहले यहाँ काफी सारे ट्रैक्टर्स आए थे और यहाँ और किसानों ने भी अपना जमघट यहीं पे बना लिया है। स्थिति अभी तो सामान्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेंशन जो है पुलिस वालों के बीच में और किसानों के बीच में वो यहाँ पे अभी भी महसूस हो रहा है। हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर से, टिकरी बॉर्डर का रुख करते हैं। हिमांशु दिखाइए वहाँ इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए टीकरी बॉर्डर पे भी इंतजार है उस मीटिंग का, क्या निकल करके आता है। यहाँ पर आप देखिए किसान धरने पे बैठे हुए हैं शुक्रवार से ही, और एक छोटा सा मंच बनाया गया है जिसपे जो भी किसान संगठन आकर के ज्वाइन करता है यहाँ पर हरियाणा और पंजाब का, तो यहाँ से बैठकर वो लोगों को संबोधित करता है। अभी यहाँ से जो निकल के चीजें आ रही हैं वो ये हैं कि एक तो संयम बना के रखने के लिए कहा जा रहा है, जो अभी यहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा था, जो नेता यहाँ पे खड़े होकर के किसानों को संबोधित कर रहे थे, एक तो वो संयम बनाने की बात कर रहे थे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ के सभी लोग वो लगातार संपर्क में है सिंगू बॉर्डर पे, और जो किसान नेता गए हैं बैठक में, अब जो बैठक में निकल करके जो कुछ भी आएगा और किसान नेताओं का जो भी निर्देश होगा वो यहाँ पर पालन किया जाएगा। इनका कहना है कि अगर इनसे कहा जाता है कि यहीं पर इसी तरीके से बैठकर धरना देना है तो धरना देंगे, या फिर अगर जो भी रणनीति तय की जाएगी उसके हिसाब से आगे का ये निर्णय लेंगे। ठीक है, लौटेंगे हिमांशु फटाफट। मौसमी आइए चर्चा में, आप जो वहां की तस्वीर हमें विज्ञान भवन की दिखा रही थी, एक बार जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं जरा उनको बताइए कि जब इस तरह की बैठकें होती हैं क्या प्रक्रिया बातचीत की होती है, सबको बोलने का मौका मिलता है या एक एक ग्रुप का प्रतिनिधि जो है वो अपने आप आकर बोलता है, कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है बैठक का, बताइए। देखिए पिछले 48 घंटे में ये दूसरी बैठक है मीनाक्षी, तो हमें इसको इस परिपेक्ष में देखना पड़ेगा। वकार से हम कहेंगे कि लगातार विजुअल दिखाएं कि सबसे पहले तो आज किसानों ने सरकार की सुनी, उससे पहले उनको पूरे 10 पन्नों का खाका पकड़ाया गया कि ये हमारी शिकायतें हैं, ये हमें हमारी परेशानियां हैं इन तीनों बिलों को लेके। दूसरा मीनाक्षी, जब उन्होंने सरकार की सुन ली उसके बाद किसान नेताओं ने जबरदस्त तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट सवाल दागे और मंत्री जो है चुपचाप उनकी सुनते रहे।